कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, राष्ट्रभाषा हमारी, साहित्य की फुलवारी, सरल सुबोध पर है भारी, अंग्रेजी से जंग जारी, सम्मान की है अधिकारी, जन जन को है दुलारी, हिंदी है पहचान हमारी। हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है। दुनिया में हिंदी भाषा चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली, लिखी और पढ़ी जाती है। वर्ष 1949 में हिंदी को हमारे देश में सर्वोच्च दर्जा प्राप्त हुआ और तब से हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा माना जाता है। हिंदी से बना हिंदुस्तान है, तभी तो भारत महान है। हिंदी भाषा की उन्नति के लिए हमें अपना सब कुछ कुर्बान है। और इसी के साथ हम आज का यह महोत्सव शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? आइए जानते हैं क्यों। सबसे पहले 1918 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया गया था और यह सुझाव हमारे राष्ट्रपिता महात्मा जी ने दिया था। और फिर जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। और क्योंकि यह 14 सितंबर को हुआ, इसलिए भारत में हिंदी दिवस हर साल इसी दिन पर मनाया जाने लगा। हम सबको हमारी इस भाषा पर गर्व होना चाहिए। इसे बोलने में हमें फक्र महसूस होना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।
पानी सब सूर, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चूर, रही मन मोती मानुष चूर। अभूतपूर्व अभिव्यक्ति के पश्चात बारी है अगली प्रस्तुति की। तो आइए इस प्रस्तुति का सीधा सीधा परिचय न देते हुए मैं आपके समक्ष कुछ आपके लिए संकेत बिंदु दे रही हूँ। आप कृपया अंदाजा लगाइए कि वो अभिव्यक्ति क्या हो सकती है। हिंदी केवल भाषा नहीं, हमारे भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी केवल भाषा नहीं, हमारे भावों की अभिव्यक्ति है। मातृभूमि पर मर मिटने की ये हमारी शक्ति है। मातृभूमि पर मर मिटने की यह हमारी शक्ति है। जी बिल्कुल सही, हमारी अगली प्रस्तुति है कविता प्रस्तुतिकरण। तो आइए और आनंद उठाइए हमारी हिंदी भाषा का गौरवगान करती हुई कविता का श्रवण करके। जीवन की आशा है जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है जिसके बिना हिंद थम जाए, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है। जिसने काल को जीत लिया है, जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है। आदरणीय प्राचार्य, शिक्षकगण, अभिभावक और मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं दिया अंगानी आज हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि आपने कार्यक्रम को देखा, और मैं उन विद्यार्थियों का भी आभार मानती हूँ कि उन्होंने सहभाग लिया। मैं उन हिंदी विषय की सारी शिक्षिकाओं का भी आभार मानती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत किया। अंत में कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। सरस सरल मनोहरी है अपनी हिंदी, प्यारी है हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।